मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम अपने बेसिक चीज कर रहे थे, हमने ट्राइंगल फ्रैक्शन ये सब पढ़े थे। आज हम बुक के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लास्ट टाइम आई थिंक एक वीक से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। जब तक ये नहीं पता होगा आपको तो आप नहीं समझ पाएंगे इसको। और आई थिंक 7th क्लास में भी थी, इसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया जाता, पूछा जाता था। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे आपने कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन लिख दिया 2x, ठीक है। तो ये 2 जो क्या है, x का क्या है, कोफिशिएंट। इन 2 जो x का रिलेशन क्या है, इसका आपस में क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहे हैं। ये इसको आप यूं लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो 2 क्या है, x का मल्टीपल है, और जो x है वो कोफिशिएंट, और x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। और जहाँ पर आपको वेरिएबल कितना दिख रहा है, सिर्फ 1 वेरिएबल है जो कि आपको x दिया हुआ है। वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, x, y, z जो अल्फाबेट होते हैं वो आपके वेरिएबल ही होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 3 वेरिएबल्स, जैसे भी होगा, बट आपके इसमें 2 वेरिएबल्स तक है। तो ये होता है आपके वेरिएबल्स, और ये होता है आपका कोफिशिएंट, ठीक है, जो साथ में मल्टीपल। अगर इसके साथ कुछ भी नहीं लगा होता, सपोज x सिंगल होता अकेला, इट मीन्स यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। कुछ भी नहीं लगा इसका मतलब 1 कोफिशिएंट है इसका, यानी 1 से ये मल्टीपल हो रहा है जब ये x ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, बिल्कुल ईजी है इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल, जिसमें आपको ओनली 1 वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पर 2.1 है, उसमें जो क्वेश्चन दिए वो सारे 1 वेरिएबल के हैं। 1 वेरिएबल के अलावा आपको कोई सा दूसरा वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, p, q, x, y, z जो भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहा है x, माइनस 2 इज इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू निकाल ली। तो मैंने बताया था कि 7th क्लास में बताया था आपको कि जिसकी वैल्यू आप फाइंड करते हो उसको तो एक तरफ रखना है, बाकी जो भी टर्म्स है उसको आप इक्वल्स के दूसरी तरफ लेके जाओगे। तो यहाँ से जब मैं 2 उधर भेजता हूँ, ये माइनस है, वहां जाके किसका हो जाएगा, प्लस। ये मैं हमेशा कई बार बता चुका हूँ, हर क्लास में बताता हूँ कि जब भी आप किसी नंबर को एक प्लेस से दूसरी साइड भेजते हो तो ये ध्यान रखना हमेशा साइन चेंज होते हैं। अब कैसे होते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, साइन हमेशा चेंज होते हैं। जब भी आप इक्वल्स टू के उधर या इधर, इधर से उधर भेजोगे या इधर से इधर लाओगे तो साइन हमेशा चेंज होंगे। जैसे ये था माइनस का 2 और उधर जाती है किसका हो गया, प्लस का 2, उधर वाले को नहीं छेड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 7 प्लस 2 9, तो आपकी x की जो वैल्यू है वो क्या है, 9। ऐसी सेकंड देखते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर भी क्या है, 1 वेरिएबल जो कि क्या है, y, ठीक है। मैंने कहा था कोई से वेरिएबल हो सकता है, x, y, z जो भी हो, y की वैल्यू निकाल ली है। 3 क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, इसको हम उधर भेजेंगे, ये वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा 10 माइनस 3, और 10 में से 3 जाएंगे तो आपके बचते हैं 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2, यानी घुमा के लिखा हुआ है, आप इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, यानी ये यू दिया आपने। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो z प्लस 2 यानी z के साथ 2 प्लस में और हो जाएगा किसका, हो जाएगा माइनस का, और 6 में से 2 है तो 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है इन सबसे, क्वेश्चन नंबर 4 में 3/7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 17/7, ठीक है, क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर साथ में फ्रैक्शन दे रखा है 3/7, 17/7, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म्स को हम कहाँ भेजेंगे, इस तरफ, तो जब उधर भेजोगे तो आप ये इस तरीके से लिखेंगे 17/7। अब इसके अगर कोई भी साइन नहीं लगाया, इट मीन्स जिसके अगर कोई भी साइन नहीं लगा होता वो प्लस का होता है, वो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस, अब वही एलसीएम लेंगे 17 - 3 = 14, 7 और 7 से काटेंगे तो 7 × 7 = 14। 7 एलसीएम आया, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कुछ नहीं करते, जो ऊपर नंबर दिए वो एडिटिव उतार दो, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, एडिटिव में नंबर उतार दिए, माइनस किया तो 14 आया, 7 से 14 कट गया 2 टाइम में, तो आंसर आया आपका 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 6x = 12, मल्टीपल तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बताया था मैंने मल्टीपल है तो डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में 6 हो जाए 12। 6 देख लेते हैं, t/5 = 10, फाइव क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो यूज 10 × 5 50, t = 50। नेक्स्ट देख लेते हैं 7, (2x/3) = 18, अब यहां पर देखिए x के साथ 2/3 है, पहले क्या करेंगे 3 को मतलब भेजेंगे, पहले आप ऊपर वाले को नहीं भेजेंगे, पहले नीचे वाले को भेजेंगे, 3 क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 भी बचा है, 2 को ये 2 को उठाएंगे और नीचे जाएंगे, क्यों यहां हो रहा है इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीपल, यहां पे क्या हो गया डिवाइड, काट लो इसको 2 × 2 = 2, 2 × 9 = 18, तो ये हो गया 9 × 3 = 27, ठीक है। 8 देख लेते हैं, 1.6 = y / 1.5, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के साथ क्या है 1.5 डिवाइड हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 6 = 99, 15 × 15 = 9, 24 = 2.4। आ गया क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर -9 है, उसको वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9, यानी ऐड हो जाएगा, तो 16 × 9 हो गया आपके 25, और ऐसे साथ 7 है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू रहा है यहाँ के डिवाइड 25/7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 14y - 8 = 13, y की वैल्यू निकालनी है, तो 8 माइनस हो रहा है तो जाके हो गया प्लस, 13 × 8 = 21, और ये हो गया 21/14 इनटू हो रहा है यहाँ डिवाइड हो गया, इसको काट लेते हैं 7 से 7 = 21, 7 × 14 = 14, y = कितना आया
थ्री बाय टू, ठीक है। इलेवन देख लेते हैं, सेवनटीन प्लस सिक्स पी इक्वल्स टू नाइन, ठीक है। p की वैल्यू फाइंड कर दी है। इसमें नोटिस किया होगा सब में आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है, आपको चाहे कुछ भी हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे p हो, चाहे q हो, वेरिएबल आपको सिर्फ सिंगल एक ही देखने को मिल रहा है। 17 है प्लस में हो जाके किसका हो जाएगा, पहले माइनस का, 9 में से 17 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8। ये ध्यान रखेंगे माइनस का 8 बचेगा क्योंकि 17 बड़ा है, ग्रेटर है, और जिसका साइन क्या है माइनस का। p इक्वल्स टू आएगा माइनस 8 अपॉन में 6, इसको हम कट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 यानी माइनस 4 अपॉन 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड लास्ट वन इज 12 क्वेश्चन। इट इज x बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 बाय 15। को सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो यही एलसीएम ले लो, ठीक है, पहला तरीका, नहीं तो इस वन को आप बदल ले जाओ, माइनस करो, यहाँ एलसीएम लो, उस तरीके से करो। तो उसको जैसे हम सिंपल करते हैं, यहाँ पर वन था, इसके नीचे हमने एज्यूम कर लिया वन, ठीक है। तो थ्री और वन का एलसीएम आएगा थ्री, थ्री में थ्री का डिवाइड किया वन टाइम, वन को एक्स से करेंगे तो एक्स, वन में थ्री का डिवाइड किया थ्री टाइम, थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री, यहाँ गया सेवन फोर फिफ्टीन। अब ये अगर कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, थ्री टेबल से इसको कट कर सकते हो, लेकिन आप कट करो इसको आप मल्टीप्लाई करो, कट करते हैं, देखो थ्री बन जा थ्री और थ्री फाइव जा फिफ्टीन, यानी हो गया एक्स प्लस थ्री अपॉन में वन, यहाँ रह गया सेवन अपॉन में फाइव। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और वन करेंगे इससे, फाइव के लिए मल्टीप्लाई किया तो ये होगा फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, यहाँ जाएगा सेवन, ये होगा फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस टू सेवन, फाइव को मल्टीप्लाई किया एक्स से फाइव एक्स, थ्री से किया तो फिफ्टीन, फिफ्टीन को तो भेजेंगे मिल जाएगा सेवन माइनस फिफ्टीन, यानी सेवन में से फिफ्टीन जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का एट, नेक्स्ट इज प्लस टू क्या आएगा माइनस एट अपॉन में। तो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये है, इसको आप वन को उधर ले जाओ, यहाँ पर एलसीएम लेके इसको माइनस करो, तो वो भी एक तरीका है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके 12 क्वेश्चन जो पूरे करा दिए मैंने। अब ये नहीं कि आपको जो करा दिए तो आपको करने नहीं है, आपको खुद से करने हैं दोबारा, यानी आप कॉपी में नोटबुक में जो भी है उसमें आप क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर मिस्टेक आती है, कहाँ मिस्टेक आ रही है जहाँ नहीं समझ रहा, समझ पा रहा, तो वहाँ जहाँ आपने इसको कॉपी किया है, जहाँ पे इसने आपको, जहाँ पे आपने इसको नोट डाउन किया, वहाँ से देख चेक कर लेना कि कहाँ मिस्टेक आ रही है, तो उस मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हैं। बट करना है बिना देखे, ऐसा नहीं कि कॉपी सामने रखी है और आप कर रहे हैं, वो तो चीटिंग होगी एक तरीके से, चीटिंग नहीं करनी है, आपने क्वेश्चन समझ लिया कि ऐसे किस तरीके से क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन उतारा आपने, आपने 12 क्वेश्चन है 12 में से कोई से उतार लिया, नहीं तो इसके एग्जाम्पल है वो उतार के देख लेना, क्वेश्चन उतार लिया, उतारने के बाद खुद से सॉल्व किया आपने, ठीक है। सॉल्व माया जाता तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व नहीं होता है जहाँ पर आपको गलती लग रही है, जहाँ पर आप प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप देखो नोटबुक में जाके कहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे, उसको करेक्ट करो फिर आगे मूव करो, ठीक है। बट करना जरूरी है बिना देखे, चीटिंग करोगे तो खुद का नुकसान करोगे, किसी का नुकसान नहीं करोगे, चीटिंग करोगे तो फिर वादा चीटिंग की ही पड़ जाएगी देख देख के करने की, तो बिना देखे करिएगा ताकि आपकी हैबिट में आ जाए। इसी तरीके से प्रैक्टिस की जाती है कि आपने क्वेश्चन समझ लिया पहले, फिर आप क्वेश्चन उतारो और फिर अपने आप करो, नहीं कहीं भी मिस्टेक आती है वो दिक्कत नहीं है, देखिए कॉपी में मिस्टेक है तो उसको करेक्शन कीजिए, जब जब बार बार आप करते रहोगे तो फिर वो आपकी एक जो मिस्टेक आ रही है वो मिस्टेक नहीं आएगी, फिर वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन है, आई होप आपने नोट डाउन किए होंगे, कॉपी कर लेना इसको वीडियो को पॉज करके, बाकी इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।